बॉलीवुड में डिप्रेशन और यौन शोषण का मुद्दा आम हो गया है, लेकिन अगर ये किसी एक्टर की बेटी के साथ हो जाए तो हंगामा होना वाजिब है, क्योंकि कोई भी एक्टर एक्ट्रेस ये नहीं चाहेगा कि जो उन्होंने झेला है उनके बेटे बेटी भी इस चीज़ को झेलें। कुछ इस तरीके की खबर आमिर खान की बेटी को लेकर भी आया है। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान की बेटी इरा खान हाल ही में तब सुर्खियों में आ गई थी जब उन्होंने वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर अपने डिप्रेशन को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की थी। अब एक बार फिर इरा ने अपनी निजी ज़िंदगी को लेकर खुलासा किया है। इरा ने बताया है कि 14 साल की उम्र में उनका यौन शोषण हुआ था। इरा खान ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो साझा किया है, इसमें वो कई मुद्दों पर बात कर रही हैं। वीडियो में इरा कहती हैं, जब मैं 14 साल की थी तब मेरा यौन शोषण हुआ। उस समय मैं ये नहीं समझ सकी कि वो व्यक्ति इस बात को महसूस कर रहा है कि उसने क्या किया। मुझे नहीं पता था कि इस पर कैसे विश्वास करना है। मुझे ये सुनिश्चित करने में एक साल लग गया कि उस व्यक्ति को उसके कार्यों के बारे में पता था। इरा ने आगे कहा, जैसे ही मुझे एहसास हुआ मैंने तुरंत अपने माता पिता को एक ईमेल लिखा और ख़ुद को उस स्थिति से बाहर निकाला। एक बार जब मैं बाहर आ गई तो ये इतना बुरा नहीं लगा, मुझे अब कोई डर नहीं था। ये ऐसा कुछ नहीं है जिससे मुझे डर के रहना चाहिए। इरा ने कहा, मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं क्यों दुखी हूँ। जब मेरे पेरेंट्स का तलाक हुआ तब मैं छोटी थी, लेकिन उससे मुझे कोई ऐसा झटका या सदमा नहीं लगा था क्योंकि दोनों ने आपसी सहमति से बिल्कुल शांति से तलाक लिया। तलाक के बाद भी दोनों दोस्त थे, हमारा परिवार टूटा नहीं। दोनों तलाक के बाद भी मेरे और भाई जुनैद के बारे में साथ में फैसले लेते थे, लेकिन जब ये घटना मेरे साथ घटी तो मैं बेहद दुखी हो गई थी। पिछले दिनों की वो बात आपको याद होगी जब इरा खान ने कहा था कि वो भी सुशांत सिंह राजपूत की तरह डिप्रेशन में हैं और वो सुसाइड कर सकती हैं। ऐसी खबरें खूब वायरल हुई थी और उसके बाद इरा को लेकर आमिर खान बेहद संजीदा हो गए थे और अपनी बेटी को समझाया था। लेकिन अब इस पर ये बड़ा खुलासा सामने आया है, इस पर क्या कहेंगे आप, क्या है आपकी प्रतिक्रिया, ज़रूर बताएं। देखते रहें बिग स्क्रीन, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।